8 बज रहे हैं और हमने अपनी मतलब मास्क वगैरह लगा लिया और हम लोग और ये सारी शॉप्स यहाँ पर लाइन से पूरी शॉप्स बन हंदान सिटी में कोरोना वायरस की क्या करंटली सिचुएशन है ये तो अभी मैं दिखाऊंगा बाहर जाके लेकिन उससे पहले जो वुहान सिटी है मतलब लाइक जहां से इतनी बड़ी तबाही का ओरिजिनेट हुआ है कोरोना वायरस एपिडेमिक ओरिजिनेट हुआ है जहां से तो उसके देखने के लिए आप ये वीडियो क्लिप्स देख ले पहले जाके वुहान देखते हैं कि वुहान में क्या सिचुएशन है आउटडोर माहौल क्या है एनवायरनमेंट क्या है लोगों की निज़ाम ज़िंदगी कैसी चल रही है वो देख ले उसके बाद मैं तब तक तैयारी करके बाहर जाके फिर हंदान आते हैं कि हंदान में क्या सिचुएशन है सो थैंक यू सो मच SM सिस्टर्स अस्सलाम वालेकुम और इस वक्त हम लोग सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने अपनी मतलब मास्क वगैरह लगा लिया और हम लोग अब जा रहे हैं नाश्ता लेने तो और कुछ सामान भी लेना है तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जो है स्टोर्स खुले हुए हैं और आज देखते हैं क्या होता है फिर आपको भी दिखाते हैं सो गाइज हमने अपना फूड ले लिया आप देख सकते हैं और अब हम लोग अपने रूम में वापस जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं हैं बाहर हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स और कुछ आ भी रहे हैं सामान लेने के लिए आपको अगर आपको दिखाऊँ सो सब ने मास्क पहना हुआ है अपने आप को कवर किया हुआ है और सामान लेने आए हुए हैं मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊँ ये सारी बेसिकली इंटरनेशनल ज्योमेट्री है हमारे सराउंडिंग में आप जो देख रहे हैं ये PhD की है जो मेरे पीछे है मास्टर्स और इस जगह पीछे ये सेल्फ पे जो आते हैं ये उनकी है तो ये सूरत हाल है आजकल के वुहान की आई होप सो कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए वुहान पूरा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब खुल जाए आप लोग देख सकते हैं रोडों पे ऐसा कोई गाड़ियां नहीं है मतलब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं और लोग निकल गए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा है लोग हैं पर गाड़ियां नहीं हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है शॉप खुली हुई है मैं ऊपर आई थी वीडियो बनाने के लिए और अब मैं नीचे जा रही हूँ तो ये सूरत हाल है वुहान की इस वक्त अब मैं नीचे जा रही हूँ अभी ये आप देख सकते हैं कि मैं किस अंदाज में यहाँ चल रहा हूँ और यही हंदान सिटी की सिचुएशन है क्योंकि इस टाइम तकरीबन 5 बज रहे हैं और ये वो टाइम होता है जो मोस्ट बिजी टाइम होता है और ये हंदान का वॉलमार्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड है जो कि बहुत ही मोस्टली बिजी होता है लेकिन अभी मामूलाती ज़िंदगी आप देख सकते हो कि रोड बिल्कुल खाली पड़ा है लेकिन फिर भी लोग निकल चुके हैं अगर डेली ज़रूरत की जो चीज़ें होती है ज़रूरियात चीज़ें होती है वो लोग ले रहे हैं तो इस तरह नहीं है कि घरों में बैठे हुए तो निकल सकते हैं आप एहतियात प्रिकॉशन ज़रूरी होते हैं प्रिवेंशन करना होता है जो मास्क मैंने तकरीबन 2 मास्क लगाए हुए अभी और बाहर निकला हो इस साइड में ना तो अभी बाकी यही हालात है कि एहतियात ज़रूरी होता है बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली यही होता है कि आपके जो एयर होता है उसी से आपको ट्रांसमिट हो जाता है मोस्टली मतलब नोज़ हो गया या माउथ हो गया इसके ज़रिए आप इनहेल कर सकते हो कोरोना वायरस जो आपसे ट्रांसमिट हो जाता है आप पे तो यही अब देखते हैं आगे स्ट्रीट है ये वाला ये बहुत ही बिजी होता है मोस्टली साइकिल वाला स्ट्रीट होता है लेकिन अभी आप देख सकते हैं इस पर बिल्कुल खाली पड़ा है वीरान पड़ा है कुछ भी नहीं है इस पर लोग बिल्कुल घरों तक महसूर हो चुके हैं लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू वुहान यहाँ पर मतलब गाड़ियाँ चल सकती है जो कि उधर गाड़ी तक चलाना मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक भी काफ़ी लाइटली है इधर लोग जो है
निकल चुके हैं घरों से, तो अभी हालात काफ़ी बेहतर है। मतलब ये कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब लोग जितना घरों तक महसूर रहे, तो लोग जितना घरों में बैठ जाए, तो उतना ये सेफ्टी के लिए और प्रिवेंशन एक किस्म का, ताकि वायरस मज़ीद ना स्प्रेड हो जाए। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और ये लोग इसी वजह से घरों में बैठे कि जब तक हालात ठीक ना हो जाए, वायरस पे काबू ना पा जाए, तब तक लोग जो है घरों में ही बैठेंगे। बिल्कुल खाली पड़ा है रोड, बहुत ही कम लोग जो है निकले हुए हैं। एक तो न्यू ईयर की वजह से भी खैर लोग जो है घरों में बैठे हुए, न्यू ईयर में भी ये लोग इतना नहीं निकलते बाहर, मोस्टली शॉपिंग मॉल्स वगैरह का विज़िट करते हैं, जो कि यहाँ पर अभी शॉपिंग मॉल ऑफकोर्स की बंद ही है। बाकी जब भी निकलना हो तो ये मास्क बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये वही वॉलमार्ट, फ्रंट ऑफ वॉलमार्ट है जो बिल्कुल खाली पड़ा है। देख यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लोग नज़र नहीं आ रहे दूर दूर तक। लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है, आपको खाने की चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, वो लोग रूम तक पहुंचा देते हैं आपके जो भी आपको चाहिए होता है, तो ये एक अच्छी बात होती है। अभी अंदर जाके वॉलमार्ट में देखता हूँ कि वॉलमार्ट में क्या है, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, और इसके बाद बाहर जाके देखते हैं कि रोड पर क्या सिचुएशन है। ये वॉलमार्ट, हालात तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। अभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जितने भी किसी किस्म की भी स्टफ्स है काफ़ी ज़्यादा है। कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ पर, कुछ नहीं था, लेकिन अभी इनको पता चल गया कि मतलब हालात, लोग बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज भी आए हुए, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं, काफ़ी लोग आए हुए। वॉलमार्ट के हालात इट्स क्वाइट गुड। यहाँ पर एग्स भी पड़े हैं, कुछ दिन पहले एग्स भी ख़त्म हो गए थे, और शॉपिंग के लिए भी आप देख ले। सो यार यही हंदान की हालत है, आपने वुहान की भी ये सिचुएशन देखी कि आजकल करंट सिचुएशन क्या है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हालात तो यही है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही कह सकती है कि यार आप घरों से ना निकलो, आप अपने जितना ख्याल हो सकता है कर लो, बाकी मामूलाती ज़िंदगी जो है वो तो चलती रहती है। अब मतलब डेली जो आपको स्टेप्स चाहिए होते हैं खाने पीने की, वो उसके लिए तो निकलना ज़रूरी होता है ऑफकोर्स, बाकी अपना ख्याल रखना होता है। यही हालत है चाइना के। लेकिन ये जो जहाँ पर हम, मैं भी घूम रहा हूँ, ये वो हंदान का वो सेंटर एरिया है कि इस टाइम मतलब पैदल चलना भी मुश्किल होता है, इतना रश होता है। और अभी यही सिचुएशन है कि दूर दूर तक बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जो वायरस आया हुआ है तो इसके रोकथाम के लिए यही एक अच्छा स्टेप है कि आप कम से कम निकलो, और स्पेशली जो क्राउडेड इलाके हैं, क्राउडेड जगह है, उधर तो बिल्कुल ना ही निकलो। तो ये एक चाइनीज़ जो है मिल के एक किस्म की फाइट कर रहे हैं, जद्दोजहद कर इसको रोकने के लिए, और इसका सलूशन यही है जो मतलब ये किस्म के वायरस है जो वायरल हुआ जाता है, तो वायरल के लिए इसको यही आपको करना पड़ेगा कि आप घरों से ना निकलो। इनको इसके रोकथाम के लिए यही आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकते।